जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का आज हमारा अगला क्लास है। देखिए इस क्लास में बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को खूबसूरत अंदाज में बनाना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चंस क्या आपके सामने दिख गया होगा। क्वेश्चंस कहा गया है कि 625 रुपया के धनराशि में कुल 80 नोट शामिल है। यह नोट 10 रुपया एवं 5 रुपया के है, तो 10 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है वो आपसे पूछ लिया गया। मतलब टोटल जो है धन 625 रुपया है, और 625 रुपया में टोटल 80 गो नोट है, और उसमें 10 रुपया वाला है 5 रुपया वाला है। तो पूछा गया है कि 10 रुपया वाला नोट कै गो होगा, ये बात आप बता दीजिए। तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि एक तरफ आप लिख लीजिएगा कि 10 रुपया वाला नोट, और एक तरफ लिख लीजिएगा 5 रुपया वाला नोट। इतना काम कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि मान लेना है कि 80 गो जो नोट है वो 10 रुपया वाला है। तो 80 गो नोट अगर 10 रुपया वाला है तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे। एक बार फिर मान लेते हैं कि 80 गो नोट 5 रुपया वाला है, तो फिर इसमें कितना से गुना करना होगा, 5 से। अगर 10 रुपया वाला एगो नोट रहेगा तो 10 रुपया वैल्यू आएगा, और 10 रुपया वाला दो गो नोट रहेगा तो 20 रुपया वैल्यू आएगा। तो उसी प्रकार से 10 रुपया वाला अगर 80 गो नोट है तो 80 से तो गुना करना पड़ेगा। देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 800, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8×5=40 यानी 400। तो आपके पास जो कुल धन आया है ना 800 है और ना 400 है, 625 रुपया धन दिया है। तो हम बीच में रख देंगे 625 रुपया को, और यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे। अगर आप एलिगेशन लगाना नहीं सीखे हैं, एलिगेशन का बहुत सारा वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 225, और अनुपात लगाते एलिगेशन में, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 175। तो दोनों को एक बार सॉर्ट करना है, दोनों को एक बार काटना है, दोबारा नहीं काटना है। तब किससे कटता है वो देखिए, ई कर जाएगा आपका 5 से कट जाएगा, 5 से ही या 5 से ही कर जाएगा। तो 5 से इसको काटिएगा तो 5×4=20 हो जाएगा, 5×5=25 हो जाएगा, और 5 से इसको काट दे तो 5×3=15 हो जाएगा, 5×5=25 हो जाएगा। मतलब 10 रुपया वाला आपका 45 गो में नोट हो जाएगा, और 5 रुपया वाला 35 गो नोट हो जाएगा। आपसे 10 रुपया वाला पूछा है तो आपका सही उत्तर 45 हो जाएगा। यानी 625 रुपया के धनराशि में टोटल 80 गो नोट था, जेकरा में से आपको 10 रुपया वाला 45 गो नोट आ जाएगा। तो ये कितना देखिए, 5×5=10, 4×3=7, 8×8=1 गो नोट पूर गया। तो ये पहला प्रश्न था। अब देखिए इसी तरह का दूसरा प्रश्न भी आपको बताते हैं, अगर पहला प्रश्न से नहीं सीखे है तो दूसरा प्रश्न से बनाना जरूर सीख जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 5000 रुपया के धन राशि में कुल 85 गो नोट शामिल है। यह नोट 100 रुपया एवं 50 रुपया के है, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या कितने है बात आपसे पूछ लिया गया है। तो फिर है दो प्रकार के नोट है ना, एगो 100 रुपया एगो 50 रुपया के है। तो एक तरफ 100 रुपया वाला लिख लेते हैं, एक तरफ 50 रुपया वाला लिख लेते हैं। अब टोटल नोट कितना है, तो टोटल नोट 85 गो है। तो एक बार मान लेते हैं कि 85 गो नोट अगर 100 रुपया के होता तो 85 गुने 100 करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल जाएगा। और फिर मान लेते हैं कि टोटल नोट 85 रुपया है, 85 गो नोट 85 रुपया वाला होता तो इसको गुना कर लेते हैं। अभी तक कितना हो जाएगा टोटल धन, ये हो जाएगा 85 100, आई कितना हो जाएगा, तो 5×5=5 हो जाएगा, 8×5=40, 2×2=42, ठीक, यानी 4250 रुपया हो जाएगा। तो आपके पास नोट न 8500 आया न 4250 है, कितना दिया, 5000 दिया गया। तो इसको बीच में रख लेते हैं, ये एलिगेशन लगाने का तरीका है। न सीखे है एलिगेशन लगाना तो जाके वीडियो देख लीजिए। अब इसको घटा देंगे 5000 हो जाएगा, ये 5000 घटा देंगे तो इधर 4250 है ना, अगर 42 तो रहता तो 800 होता, लेकिन 50 ज्यादा है तो 750 हो जाएगा। आ इसको ये कितना हो जाएगा, तो सीधा से इधर लग रहा है कि 3500 है, कितना है, 3500 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 तो पहला बाती खत्म हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं आप आसानी से, 5 से कर जाएगा तो 5 से कर जाएगा 15, 5 से कर जाएगा 15×5=75, 5 से कितना बार में कर जाएगा, 5×7=35, ठीक है, 5×7=35 और कटेगा। टोटल कितना नोट था, 85 गो नोट था। देखिए तो ऐसा से काटते जाइए कि 85 गो आ जाए, तो 70×15=85 ना पूछ जाएगा। तो कितना वाला का नोट पूछा है इसमें आपसे, इसमें पूछा है कि 50 रुपया वाला कै गो नोट हो जाएगा, तो 50 रुपया वाला यही ना आ गया 70 गो नोट। तो जो नोट वाला प्रश्न होता है उसको हम इस तरह से बना लेते हैं। और जो आपसे खरगोश वाला पूछा जाता है, कबूतर वाला पूछा जाता है, जिसको दरबा में रखा जाता है, इस तरह का प्रश्न बनाना हम एलिगेशन में सिखा चुके हैं, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहले बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।